हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है। मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला हुए। सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहां का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। ओए, तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा। और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज़। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए ओए, तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माह तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं आ गया हूं। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा, हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जान, तू आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक, तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, भाईजान, भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा, भाईजान। सचू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रजिया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ, मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरे दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा।
हुसैन, तू किसे मारने जा रहा है? उसे अमी जान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूं इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले करते फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है। यही है हुसैन साईं का घर। हुसैन साईं का घर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा है बाबा। हाँ तुम यहाँ रुको बाबा, तुम्हारा 10 साल हुआ तरक्की नहीं हुई ना? हाँ तुम्हारा पेपर में साइन कर दूंगा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। कर दीजिए, थैंक यू। मेरी तरक्की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे होगी? होम मिनिस्टर का दिमाग खराब हो गया, किधर किधर भेज देता है। अरे बाबा कोई घर में है? हुसैन साईं कौन? माता जी को प्रणाम, बहन जी को नमस्कार। हुसैन साईं किधर है? लेकिन क्या बात है, आप कौन है? मुझे सीताराम गिडवाणी कहते हैं बाबा। मैं होम मिनिस्टर का चमचा हूँ ना, आई मीन उनका पीए। उन्होंने आपको बुलवाया है मुझे। हाँ देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं किसी होम मिनिस्टर को नहीं जानता। अरे बाबा उन्होंने खुद ने सरकारी वाहन भेजा है आपके लिए और कहा है कि पूरे मान सम्मान के साथ लेके आना। देखिए मैंने कह दिया ना कि मैं किसी को जानता नहीं, तो आप यहाँ से जाइए। मैं जाऊँ? हाँ जी। आप मेरे को नहीं जानते? नहीं मैं आपको नहीं जानता। होम मिनिस्टर को? अरे बाबा मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं जानता। माता जी कुछ करिए ना। बेटा हुसैन नौकरी का सवाल है, इतने बड़े आदमी ने बुलाया है, कोई काम की बात? अम्मी जान चला जा बेटा, इतना कह रहे हैं। ठीक है आओ बाबा, रास्ते में पकौड़ा खिलाएगा, पकौड़ा खिलाएगा। चलो आओ आओ आओ। अच्छा तो ये बात है, आखिर भवानी प्रसाद की मुराद पूरी हो ही गई, मिनिस्टर बन ही गया। अरे बाबा झूले लाल की कृपा है ना, वो राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। आओ। अरे आइए आइए हुसैन मियां, हम तो सोचे थे कि आप जेल से निकलते ही सीधे हमारे पास आओगे और अपना जेल जाने के पहले दिया हुआ वादा पूरा करोगे, लेकिन लगता है जेल की 4 दीवारी में 5 साल बिताने के बाद आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। क्या कहा था तूने कि 5 साल बाद जब जेल से बाहर आएगा तो हमको फिनिश कर देगा? भाई देखो देखो जरा कैसे बुजदिल की तरह खड़ा है। आए हुसनवा, हमको तो लगता है कि तुम्हारे रगों में दौड़ने वाला तुम्हारा माँ का दूध पानी हो गया है, पानी। सर आपकी गाड़ी का लाल लाइट और पुलिस का खाकी वर्दी ये सब देखकर बेचारा घबरा गया है नहीं, सोचता है आपको मार डालेगा तो बाकी का बचा हुआ जिंदगी भी जेल में काटना पड़ेगा नहीं। इसका खामोशी तो मेरे को ये बता रहा है कि इसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अगर ऐसा है सीताराम जी तो इससे कहे कि हमारे पांव पड़ जाए, हमसे माफी मांगे, हमरे तलवे चाटे, फिर हम इसकी जिंदगी खैरात में देने के लिए तैयार हैं। माँ की बंदिशों से बंधा ये हुसैन मजबूर है, वरना तेरे इस बेईमान जिस्म को यही ढेर कर देता। आए हुसैनवा, तू हमको 5 साल का मोहलत दिया था, लेकिन हम तुमको 15 दिन का मोहलत देता हूं। 15 दिन के अंदर अपनी मां और बहन के साथ ये शहर छोड़ के भाग जा।
वरना पहले तेरी माँ को, उसके बाद तेरे बहन को, और उसके बाद तुझे मारूंगा। Now get out! वेलकम सर। अजीब बात करते हो तुम बागमारे। अरे चीफ मिनिस्टर कैसे नहीं बनेगा भाई? हाई कमान को जी हुजूर करेंगे, हम आ गए, हम इस सब के लिए इधर आए हैं। तो बागमारे मैं देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। नहीं तो सी मैं देख रहा हूँ ना, ये तो वही दिख रही है भाई। वेलकम मैडोना जी, कैसे हो सकता है? थैंक यू, वेलकम। क्यों वही दिख रही? नमस्ते मैडम। नमस्ते। लंदन से कब आई आप? ओह शास्त्री जी, आप मैडम लंदन से परसों आई हैं और अभी अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं। क्या शो है आपका? शास्त्री जी अगर हमारा शो होगा तो आपको इनविटेशन पहुंच जाएगा। ठीक है तो फिर शो पे मुलाकात हो। ओह चले मैडम। अजी स्वागत है जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन? अरे इन्हें नहीं जानते आप? लंदन की मशहूर पॉप सिंगर है ये। अरे कई बार मिल चुका हूँ मैं इनसे। वहाँ पर मुलाकात हुई थी आपकी। इन्हें देखकर आपको भी कुछ हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं जी, आपको ही तो लेने आए थे। चलो फिर चलो। मैडम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ओ, हमको कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक। तो फिर आपकी पसंद क्या है? क्या आप किसी हिंदुस्तानी से शादी करेंगी? Of course, why not? My mother, she married an Indian, you know, and my grandmother, she married an Indian. I'll marry an Indian too. Aisa, hum hai Indian, hamra juta Indian, hamra kapde Indian, hamra dil bhi hai Indian. Doctor, no, thoda kala. बोले में फनी होना चाहिए, जो हमको हमेशा हमेशा हंसाता रहे। हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? जब भी मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊं तो आगे पीछे एस्कॉर्ट हो, लालवती का गाड़ी हो, वो आवाज आती है ना गाड़ी का, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैडम जी मैं आ रहा हूँ, मैडम जी मैं आ रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है जिसमें भोपू भी है, जिसमें लाल लाइट भी है, मैं आ रहा हूँ मैडम, आप रुकना मैं आ रहा हूँ। माँ को हुसैन के घर छोड़ना ही अच्छा रहे। मैरी जूली को बोलना पीएम हाउस में फोन करके हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करने को। ओके ओके। और लंदन से मम्मी का फोन आएगा तो बोलना नॉट टू वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन हियर। अरे मैडम ओके। इस समय इतनी रात को आप बुर्का पहन के कहां जा रही हैं? ओह गॉड, टू मेनी क्वेश्चंस, दिस मैन इज वेरी इरिटेटिंग। मैरी बीपीएल को बोलो चेंज दिस सिक्योरिटी पर्सन, आई डोंट वांट हिम। मैडम आप नाराज मत होइए, आप यहां से अकेली कहीं ना जाएं, ये होम मिनिस्टर साहब का हुक्म है। God, what is this hookup man all the time? सुनो तुम हमारे साथ किधर नहीं जाएगा, तुम यहाँ रहेगा, हमारा फोन कॉल अटेंड करेगा, हमारे कपड़े को इस्त्री मारेगा और हमारे रोमियो के साथ डिनर करेगा, ये हमारा हुक्म है, अंडरस्टैंड? हेलो। हाँ बोल वागमारे। मिस मैडोना अभी अभी बुर्का पहन के निकली है यहाँ से, लगता है वो हुसैन के घर जाएगी, तू अभी जाओ उसके पीछे। अरे यार ये भी कोई वक्त है कहीं जाने का? तू सिचुएशन को समझा कर यार। चल ठीक है ओए, चलो। आंटी, नीतू बेटी आओ आओ अंदर आओ। हाँ क्या बात हो गई, अचानक इतनी रात? दरवाजा खोलो, ओ दरवाजा खोलो। तू इधर से जा। जी साहब। तू पीछे से जाना, वो दरवाजा खोलो। तू क्या बात है जेलर, मेरे बिना दिल नहीं लगा कि मुझे मिलने मेरे घर तक चले आए? दिल तो वाकई नहीं लगा क्योंकि ललकार सिंह के दरबार से कनीज तेरे घर पे आ गई। ओए मर से तो निपट नहीं सके, अब लड़कियां भी तुझे मार देने लगी हैं। अपनी औकात में रह के बात कर ओए। आवाज नीची रख, जेल में मैंने तुझे ऊंची आवाज में बोलने नहीं दिया, ये हुसैन का घर है। सर वो भाग रही है।
छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? रुको। अरे मैंने क्या किया है? क्यों, बड़ी चलाक और होशियार समझती है अपने आप को? ये किसको पकड़ लाए तुम? लगता वो चलाक हमको चकमा देगी। ओए हेलो सर, मैं नीतू सिंह बोल रही हूँ। हाँ नीतू बोलो। सर, भवानी प्रसाद और वाघमारे के अलावा जेलर ललकार सिंह भी सीएम के मर्डर में शामिल है। Are you sure? हाँ, वो ही सबसे बड़ा गुनहगार है क्योंकि उसी ने टाटिया को जेल से भगाने में मदद की थी। तुम उनसे मिली? नहीं, उनसे मैं नहीं मिली सर, लेकिन यहाँ के सीएम से मैं कल मिलने वाली हूँ। अपना ख्याल रखो। हाँ, डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट। नीतू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मेहनत और कुर्बानी हमारे डिपार्टमेंट के लिए मिसाल बन जाएगी। थैंक यू सर। सीबीआई ऑफिसर मिस नीतू सिंह और मैडम मैडोना, मेड इन लंदन। मुझसे कपड़े धुलवाए, मुझसे कपड़े इस्त्री करवाए, अपने कुत्तों को मुझसे बिस्किट खिलवाए, मुझसे जूते पॉलिश करवाए। जूते, उन्हीं जूतों से मार मार कर तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मेरा नाम बागबाने नहीं, देख लूंगा तुझे। नमस्ते साहब। साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ चला गया ये? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना वो घर पर है। दूसरे घर पे आप पता कर लीजिए। अरे वो वहां भी नहीं है यार, वो जैसे ही आए उसको कहना बहुत जरूरी काम है, मुझसे बात कर ले। हो सकता है साहब देर से लौटे। अरे वो जब भी आए। जी सर। मुझसे बात करवा उसकी। जी। ऐसा बेवकूफ आदमी क्या क्या हरकतें करता रहता है। चलो।
ये खूबसूरत नागिन तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर हम सबसे बदला ले रही है। अरे सगा, बदला तो तुमने हमसे लिया है। अपने दोस्त से गद्दारी करके हमारे होने वाली धर्म पत्नी को बुरी नजर से देखा तुमने। और तो और, ये हमारा इज्जत लूटने का कोशिश किया, और जब हम आपका नाम लिया तो बोला बीपीएल का जिंदगी तो मेरा मुट्ठी में है, मैं उसको सीएम मर्डर केस में फांसी चढ़ा देगा। झूठ बोल रही है ये। ए, बनो मत बाग मारे। ये बात मैडम को कैसे पता कि हम सीएम का मर्डर करवाए? ये बात तो दो ही लोग जानते थे ना, एक तुम और एक हम। बोलो, एक बात तुम भूल गए, बीपीएल का एक उसूल है कि दुश्मन दुश्मनी निकाले उसके पहले ही हम उसको। हमसे दुश्मन है? क्या किया आप? हमारे खातिर आपका दोस्त का खून कर डाला? अरे मैडम ही तो एक है, आपके खातिर तो हम हजारों दोस्तों को खत्म कर देंगे। Oh, I'm so lucky. Thank you, madam. But अभी इसका क्या होएगा? इसका? मैडम, हमारे जो पालतू कुत्ते हैं ना, इसको प्रसाद समझकर नौच खाएंगे। स्टेट में बढ़ती हुई गुंडागर्दी को देखते हुए हम सब लोगों की राय है कि सीएम की कुर्सी आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते बनना चीफ मिनिस्टर। आओ भाई आओ, जरा इधर, तेरे से बात करनी है। आप लोग इधर बैठ करिए, आता। ये तुमको कहा हो गया ललकार से? इतना सब लोगों का सामने तुम हमारी बेइज्जती खराब कर दिए, और हम स्टेट का होने वाले फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हैं, तुम्हें तमीज है कि नहीं? बीपीएल, मुझे सिर्फ इतना बता, तूने वाघमारे को क्यों मारा? वाघमारे को हमने मारा? किसने कहा तुम्हें? और तू मेरे ना ज्यादा होशियारी ना करो, मैं तेनु अच्छी तरह से जानता हूँ। वाघमारे हमारा दोस्त था, हर जगह वो तेरे लिए खड़ा रहा, तेरा साथ दिया उसने। बीपीएल, मैंने तेरे जैसा कमीना और कुत्ता इंसान नहीं देखा। अब देख लो, देख लिए तुम, हम कुत्ता कमीना हूं, अब क्या करोगे तुम? एक बात याद रखो, हमरे ना पूर्वज कहे हैं कि जूती को जूते रहने दो, सर पे मत चढ़ाओ। हम गलती किए कि हम तुमको इतना बड़ा कर दिए। एक बात याद रखना ललकार सिंह, शुरू में जो तुम हमारे लिए किए हो उसका मुआवजा हम दे चुके हैं, अब फ्यूचर में भी हमारे साथ बनाए रखोगे तो उसमें ही तुम्हारी भलाई है। अभी हम जाता हूँ, कुछ लोग हमारा भेंट कर रहे हैं, चलता हूँ। ठीक कह रही है तुम बीपीएल, पाओ की जूती पाओ में ही रहनी चाहिए, सर पर नहीं। ओए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे ललकार सिंह, तुम बैठो। थैंक यू सर। सर, मैंने अपना इस्तीफा डिपार्टमेंट को दे दिया है, उसकी एक कॉपी आपको देने आया था। तुमने ऐसा क्यों किया? सर, मैं दौलत और पावर के नशे में अंधा हो गया था, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि मैंने अपनी ड्यूटी और फर्ज के साथ गद्दारी करके बीपीएल जैसे बेईमान आदमी का साथ दिया है। अब कानून मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है सर। ललकार सिंह, चलो देर आए दुरुस्त आए, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सर, बीपीएल बहुत बड़ा मुजरिम है, उसकी हर चाल से वाकिफ हूं मैं, और उसके हर गुनाह का सबूत है मेरे पास। कानून को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं सर। नीतू सिंह है मडोना, भवानी प्रसाद लल्ला और बीपीएल के साथ धोखा। अरे भाई, क्या खबर लाए हो? आपका दोस्त है ना ललकार सिंह? हाँ, ललकार सिंह, ललकार सिंह। वो आपका दुश्मन बन गया, कानून से मिल गया। हमारा दोस्त, हमारा दुश्मन बन गया, कानून से मिल गया? तुम क्या कह रहे हो भाई सेक्रेटरी? हाँ बाबा, मैडोना के चक्कर ने आपको चक्कर में डाल दिया। नहीं बाबा, सीएम के खून के, बागमारे के खून के सारे सबूत उसके पास है, बचना बहुत मुश्किल है। अरे गिटवानी, तो कभी तो अच्छी खबर लाया कर। हमारे पे गुस्सा करने से क्या फायदा बाबा, ठंडे दिमाग से काम लियो। ठंडे दिमाग से नीतू सिंह की माँ है ना? नीतू सिंह की माँ? हाँ, वो आपके लिए आखिरी मौड़ा है।
आखिरी मोड़ा है। कौन है? चुप बुढ़िया। अरे छोड़ दो मुझे। चल उसको। छोड़ दो मुझे। चल बुढ़िया चल। बचाओ। तुझे पता चल जाएगा। ए माँ जी को कहाँ ले जा रहे हो? अरे रोको रोको कोई बचाओ बचाओ। हे भगवान क्या करूं अब? भाईजान 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 क्या हुआ? वो भवानी प्रसाद के आदमी नीतू जी की माँ को उठा के ले गए। आप प्लीज जाके उन्हें बचाइए। चल अम्मी जान। हाँ मैं तेरी मजबूरी को समझ रही हूँ बेटा, लेकिन हाँ तुझे हाँ जल्दी जल्दी मौसी जल्दी जा बेटा अपनी माँ को बचा ले। माँ? हाँ तुझे जन्म मैंने दिया है पर जिंदगी उस औरत ने दी है तुझे। आज से 20 साल पहले अपनी जान पर खेलकर अपनी आंखों की रोशनी गवाकर उसने तेरी जान बचाई। मुझसे ज्यादा उसका हक बनता है तुझ पर। हम दोनों उसके कर्जदार हैं बेटा और मुसलमान अपना कर्ज इसी जन्म में अदा करता है। जिस माँ ने तेरे हाथ पर ये बंदिश का धागा बांधा था आज वही माँ तुझे इस बंदिश से आजाद करती है। जा बेटा जा और खाली हाथ मत आना। इस मकसद में अगर तेरी जान भी चली जाए तो तेरी माँ का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ दो छोड़ दो। अब अम्मा आ गई है तो बेटी भी आ जाएगी। ए मजी बताओ तो जरा आपकी बेटी कहाँ है? अरे अरे संभालो आप, बुढ़िया गिर जाएगी। बुढ़िया तेरा हुसैन हुसैन हुसैन। हाँ माँ मैं आ गया हूँ। चल सुंदर
दिन का टाइम दिया था ना, आज मैं तुझे 15 सेकंड दे दूं। फिर ले, बचा अपने आप को भवानी। मेरी माँ का साथ छोड़ दो मुझे। हट, हट साले। हम गलती किया तो हम चैलेंज किए, हम तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो अपनी मौत की तरफ भाग रहा है। यहां छुप जाता हूं। ये रोशनी अनंता अनंता लाइए, गोली मत मारो भाई। अब तक तुम, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, अपना गुनाह कबूल करना चाहते थे, हम तो गलती हो गई ना। ये लो इला इला इला, हमको माफ कर दो। हमको मारा बाग मारे को हमने मारा। कैसे हो सकती है? कौन 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 जिंदा कैसे हो सकती है? वो नीतू सिंह, मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी उसे। अरे भैया वही तो हम कह रहे हैं, तुमने नीतू सिंह को अपने हाथों से ठाई की, हमने देखी उसकी बॉडी और फिर तुम गए उसके चौथे पर। हाँ? वो नीतू सिंह हो ही नहीं सकती। अरे वो तो इंटरनेशनल पॉप स्टार मैडोना है। अरे आज हम उसका इंटरव्यू भी देखे हैं टीवी पर। अरे हाय हाय हाय, कितने प्यार से कह रही थी कि उसको एक भारतीय मर्द के साथ शादी रचानी है। तो हम सोचे देखो, हम भी हैं भारतीय और है भी मर्द, तो हमने कहा क्यों अगर तुम थोड़ा सा उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। बहुत ही अपॉइंटमेंट उसके साथ, जरा जरा। अब ये काम भी मुझसे कराएगा, तूने समझ क्या रखा है मुझे? दोस्त, अरे भैया दोस्त के लिए ये सब करना बहुत पुण्य का काम है, ऊपर वाला भी देखता है। और देखो अगर तुम हमारे लिए ये सब काम करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा जल्दी करो बाग मारे, भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल का दिल मैडोना के लिए धक धक कर रहा है, धक धक। बनवारी जल्दी करो। अरे सर फूल तो हमारे पास है। अरे आइए सर, आइए आइए आइए, क्या शानदार घर है सर, देखिए सर, आइए आइए, मैडोना जी घर में है। ओह नो, नेक्स्ट वीक नो, हमारे पास 6 मंथ्स के लिए नो टाइम। आई नो चीफ गेस्ट, बट सब हमको चीफ गेस्ट का नाम पे ही बुलाएगा। No, I have an appointment with beauty parlor. Hmm? Yes? कौन है आप लोग? Whoa, 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 whoa! Hold it, hold it! आप लोगों की तारीफ। अरे, आप इन्हें नहीं जानती? अरे ये हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, मिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला उर्फ बीपीएल। नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट। एंड आप? मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। बनवारी प्रसाद परार्थन। क्या काम है? अरे इन्हें प्रिंसेस मैडोना जी से मिलना है। हाँ जी। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट? अरे जिनके आप बड़े बड़े मिनिस्टर रसोई बनाते हैं उनके आप? यस मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम हम आपका टेलीविजन पर इंटरव्यू देखा, बहुत ही अच्छा। यकीन मानिए अगर आप जैसा विचार हमारे देश के जनता में हो जाए तो हमारे देश में ऊंच और नीच फिनिश हो जाएगा। हमारा दिल खुश हो गया है, हमारा मन करता है कि हम आपको एक बड़ा सा पार्टी दूं। जूली। यस मैम। इनको बोलो फर्स्ट मीटिंग में हम इतना करीब किसी को आने को नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको गलतफहमी हुआ है, हम लोग पहले एक बार मिल चुका हूँ एयरपोर्ट पर, जहाँ पर हाई कमान ने हमको आपको इंट्रोड्यूस किया था। हमको कुछ याद नहीं आता है अभी। हाँ। बड़े लोग भूल जाते हैं, हम बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैडम हमको बैठने को नहीं कहिएगा, हम होम मिनिस्टर हूँ। ओके सर जान। थैंक यू।
यस बोलिए, हमको भी गेम खेलने का इसके ऊपर। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम इतना करीब से आपको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम एयरपोर्ट के अलावा भी हम कहीं आपको मिल चुके हैं। आपका कहीं अभी आपने हमारा टीवी पर इंटरव्यू देखे है ना? अरे टीवी में इंटरव्यू तो देखा, क्या कमाल इंटरव्यू देखा, कसम से कह रहा है जब से वो इंटरव्यू देखा है हमारी घंटी में घंटी ही बजता जा रहा है, टन 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 रुकता ही नहीं है। हेलो मैडम, मैं पीएम हाउस से सीना बोल रहा हूँ। पीएम हाउस से बोल रहे हैं, सीना साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक है। आप पीएम साहब कैसे हैं? वो अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। सारा इंतजाम कैसा रहा? इट वाज ग्रेट, एक्सीलेंट। हमारे मुल्क में आपको कोई तकलीफ तो नहीं मैडम? ओ नहीं नहीं, आपका मुल्क में हमको कभी तकलीफ नहीं होता है। मैडम पीएम साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। पीएम साहब को बोलेगा इस समय हम नहीं आ सकेगा क्योंकि 27th को हमारा वाशिंगटन में बिल क्लिंटन के साथ अपॉइंटमेंट है। जूली 27th राइट? यस मैम। हेलो, ओह मिस्टर बिल क्लिंटन फ्रॉम वाशिंगटन। बिल क्लिंटन? मिस्टर बिल क्लिंटन फ्रॉम अमेरिका। Hello, Mr. Clinton. How are you? Good. What about you? I'm fine, thank you. Okay, I'm coming to your country to meet you on the 27th. Yes. Clinton? You don't come, Aruna. In fact, I'm coming to India myself after 15 days. Sir, are you coming? 15 days in India? हम 15 दिन यहाँ क्या करेगा जूली? अरे मैडम क्या बोल रही हैं आप? अरे इंडिया बहुत, इंडिया इज ब्यूटीफुल वेरी। अरे हम जब आपको इंडिया दिखाएंगे तो आप 15 दिन का 15 साल रहने को तैयार हो जाएंगी। पार्टी से बिल्कुल सर, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में। यस सर। मैडम हम आपको बिहार के भैंस के दूध का चाय सुबह शाम पिलाएंगे पार्टी से। जूली इसको पूछो ये किस काम का वास्ते इधर आया है। सर किस काम का वास्ते इधर आया है? हम किस काम के वास्ते आया है? मौका अच्छा, बोल दीजिए बोल दीजिए। मैडम जर हम नहीं बोल सकता हूँ, तू बोल। मैडम दरअसल बात यह है कि जब से आपको टीवी में आपकी शादी की बात कहते हुए इन्होंने सुनी है, इनके दिल में बम फूट गया है, फुलझड़ियां जल उठती है। मैडम बम फूट गया है, फुलझड़ अब 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 हम नहीं बोला मैडम, ये बोला है। काहे बोला तुम? वैसे मैडम आप टीवी के इंटरव्यू में बोले है ना कि आपको किसी हिंदुस्तानी मर्द से शादी करना है, किसी अभिनेता या नेता से। बस हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? जूली मैडम, मैडम आपको तो सांवला का बन पा रही। यही बात बोलने आए थे ना? यस सर। हमें ऐसा कहे लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई। आपसे गलती नहीं हुई है सर। तो फिर क्या हुआ? मैडम नाराज हो गई। मैडम नाराज हो गई, तो क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। क्या जी? हिंदुस्तान स्टाइल से मैडम से माफी मांग लीजिए या फिर उनके पैर पकड़ के लेट जाइए। कैसा कर सकता है भैया? अरे हम होम मिनिस्टर हो। अरे होम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या सर, गाड़ी छूट जाएंगी तो आप लटक के रह जाएंगे। क्या कहते हो? हम जाता हूँ। मैडम मैडम हमसे नाराज मत होइए, मैडम हमसे नाराज मत होइए। अरे मगर हमको अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कह रही है मैडम? हम अपना दिल आपको दे चुके हैं, अगर आप अपना दिल ठुकरा देंगी तो हमारा दिल बहुत कमजोर है मैडम, तो हमारा दिल फेल हो जाएगा। मैडम हमको अपने चंदो में जगह दे दीजिए मैडम। अगर आपने ऐसा नहीं दिया तो हम आपका रंजन कर देंगे, हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम अपनी जान दे दूंगा भैया। मैडम 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 हाँ मैडम माफ कर दो। वेरी गुड, ऑल राइट। सुनो मगर जूली इनको बोलो इनको थोड़ा चेंज करने को पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदल दूंगा मैडम, बदल दूंगा। बात करने का स्टाइल, टॉकिंग। अरे बदल दूंगा। क्लोथ्स, कपड़े। अरे सारे कपड़े बदल दूंगा मैडम। शल्ला, वॉकिंग एंड ऑल। चलना बल्ला सब कुछ बदलूंगा मैडम, बस हां कह दो। तो फिर हम रिश्ता पक्का समझो? आइए सर, आइए। You know, मैडम क्या
मैडम गुड मॉर्निंग. ओके या मैडम गुड मॉर्निंग. ओके बाय मैडम गुड मॉर्निंग. हमने अपना सब कुछ बदल लिया है मैडम, अपना स्टाइल कपड़ा सब कुछ. नाउ आई कैन टॉक इंग्लिश, नाउ आई कैन वॉक इंग्लिश, नाउ आई कैन डांस विद मैडम. कैन आई सिट डाउन? बैठ जाओ मैडम. बैठ जाता हूँ. मैडम हमारी कंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैडम फिर उस आदमी का फोन आया है. फोन आया. वेरी गुड. हेलो. वेरी गुड. तुम फिर हमको जान से मारने का धमकी देता है? हेलो मैडम क्या प्रॉब्लम है? हमको इस कंट्री में हमारे लाइफ को बहुत बड़ा डेंजर है. हमको रोज फोन करके बोलता है कि हम कंट्री नहीं छोड़ेगा तो हमको मार डालेगा. अरे मैडम आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका बाल भी बाका नहीं होगा. आपका जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम स्टेट के होम मिनिस्टर हूँ, होने वाले चीफ मिनिस्टर हूँ. आप घबराइए मत. नो नो, आई एम गोइंग बैक टू माय कंट्री, आई डोंट वांट टू लिव हियर. नो मैडम, नो मैडम, डोंट गो, मत जाइए. अगर आप चली जाएंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमारे पूरे स्टेट का दिल टूट जाएगा. अरे हम पूरे स्टेट का फोर्स लगा देंगे आपके सिक्योरिटी में. हम अपना सिक्योरिटी का जो चीफ है बागमारे, उसको आपके पास डिपोर्ट कर देंगे. लेकिन आप मत जाइए मैडम, प्लीज प्लीज. Yes, yes, yes. जूली? Yes, ma'am. ये रोमियो क्यों भौंक रहा है? घर में कोई दूसरा कुत्ता आया है? ma'am, मैं अभी देख कर आती हूँ. हाँ, देखो. Hello, कोई है? Hello, कोई है घर में? Hello, अरे भाई कोई है घर में? Yes. जब आप हैं यहाँ तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? Who are you? हम ASP बागमारे. क्या मारे? बागमारे. बागमारे? बागमारे. Whatever, whatever. क्या काम है? हमको होम मिनिस्टर साहब ने मैडम मैडोना की सिक्योरिटी के लिए भेजा है. मैडम की सिक्योरिटी के लिए है? मैडम 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 ये कोई हवलदार आया है, होम मिनिस्टर साहब ने भेजा है. अपने आप को SP टांग, मेरा मतलब है वाघमारे बोलता है. और जूली इनको पूछो, होम मिनिस्टर ने इनको बताया है कि इनको और क्या क्या करनी है यहाँ पे? बताया है क्या? जी हाँ, आपकी जान को खतरा है इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए आया हूँ. जूली? यस मैम. इनको पता है सिक्योरिटी के साथ साथ इनको क्या करनी है? हाँ, आई मीन यू नो, जब हम सुबह उठता है तो हमारा बेटी बनाने का, फिर रोमियो हमारे डॉग उसको बिस्किट देने का, फिर हमारा कपड़ा इस्त्री करने का, फिर हमारा जूता साफ करने का. What? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ मैडम, ये सब करना मेरी शान के खिलाफ है. What? जूली, होम मिनिस्टर साहब को फोन करो और पूछो ये कैसा यूजलेस आदमी हमारे पास भेजा है, और बोलो इसको अभी का अभी सस्पेंड करने को मांगता है. नो नो, फोन मत करिएगा. आप जैसे कहेंगी मैं करने की कोशिश करूंगा. लगता है भवानी प्रसाद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. ओए, उस लड़की की चकाचौंध ने दिमाग खराब कर दिया है उसका. जानते हो उस सिरफिरी औरत ने जूते साफ कराए मुझसे, जूते. गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि उन्हीं जूतों से मार मार कर भवानी प्रसाद की जान निकाल दूं मैं. अरे यार तू शांत हो जा, मैं जाकर उस मूर्ख को समझाता हूँ ना, समझाता हूँ. अरे कौन सा ऐसा तूफान आ गया अगर हमारी मेम साहब ने उससे जूते पॉलिश करवा लिए? अरे तुम्हें तो याद है हमारे हॉस्टल में सबसे ज्यादा जूते वो ही पॉलिश करता था, याद है कि नहीं? याद है, पर अब वो पुलिस ऑफिसर है और ये सब करना उसकी शान के खिलाफ है. फिर वो हमारा दोस्त है. ओए ओए, इसी दोस्ती की वजह से तो हमने उसकी मदद की, उसका यूनिफार्म पर सितारे लगवाए, उसको पोजीशन पर पहुंचवाया. आज अगर उसके थोड़े से काम से हमारी मलिकाए बिहार को थोड़ी खुशी मिलती है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? अरे लोग तो अपने दोस्त का घर बसाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उससे तो मैडम ने सिर्फ जूते साफ करवाए.
उसे समझा मेरे यार, उसकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लुक मिस्टर बीपीएल, तुम हमको बहुत अच्छा लगता है। सच? हाँ, तुम्हारा अंदाज अच्छा लगता है। हाय। तुम्हारा फनी बात करने का तरीका अच्छा लगता है। बट हम तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। क्यों मैडम? क्योंकि हमारे मामा लंदन में हैं और मामा के बिना हम शादी नहीं कर सकता। तो मैडम नो प्रॉब्लम, ये जो बीपीएल है वो तुरंत अमेरिका जाएगा और लंदन से आपकी मम्मी को लेकर आएगा। हम जाता हूँ। ए बीपीएल, इसकी माँ को मैं लंदन से ले आया हूँ। आइए माँ जी, मैं आपकी बेटी से आपको मिलाता हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? वो देखो, वो सामने बैठी है। ये कौन ओल्ड लेडी है? ठीक से देख लीजिए, ये आपकी माँ नहीं है। I don't know her, she's not my mom. आपकी माँ नहीं है? No. आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये तुम्हारी माँ नहीं है ना? No. BPL. Yes, madam. आपका देश में सीनियर लेडीज के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? हमारे देश में बदतमीज लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। Always spoils my mood, this man. Take him away. हाँ मैडम। Irritating. मैडम, अरे क्या तू हरदम आता है और सब कुछ खराब कर देता है? हमने मैडम का दिल तोड़ दिया तो? चुप रहो यार, तुम समझा करो। क्या समझे? यार मैं अंधे हो रहे हो तुम। क्या हो गया? बदला लेने आई है हमसे। बदला लेने आई? बताओगे तुम? अरे हमारा दिल लेकर गई और तुम यहाँ से जाओ। मैडम, मैडम आप जाइए, आप जहाँ से भी आई आप जाइए। जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे जाइए, आप हमारी मैडोरा का दिल तोड़ दिया। अरे जाइए, चलो। अरे जाइए मैडम, आप जाइए।